नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कटिहार में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कारवानी इतिहाद भाईचारा यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में विकास की बात छोड़ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात हो रही है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश में हिंसा की घटना लगातार हो रही है। कटिहार में जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा कारवाने इतिहाद भाईचारा यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ बिहार राज्य सुन्नी वर्क बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशाद उल्ला खान, विधान पार्षद अनवर हुसैन के साथ साथ कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में भाईचारे को बचाना है मकसद। कारवाने इतिहाद भाईचारा यात्रा के कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि कारवाने इतिहाद भाईचारा यात्रा बिहार के सभी जिलों के साथ साथ गाँव-गाँव में जाएगा। इसका मकसद है कि अभी देश की हालत सही नहीं है, विकास की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात हो रही है और लड़ाने का काम हो रहा है, उसी को बचाने को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के मकसद से ये कारवां निकला है ताकि देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारे नेता हर धर्म का सम्मान करते हैं, वहीं दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में कालाधन आएगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई की चर्चा आज नहीं हो रही है, सिर्फ मंच से बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार में विकास हुआ है और आज इस मंच के माध्यम से अपनी बातों को लोगों के बीच रखने पहुंचे हैं। सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने की कही बात अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाएंगे और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया है। अगर 4 महीने में पूरा नहीं होता है तो भाड़े में जगह लेकर इसे चलाया जाएगा। किशनगंज में बन चुका है, वहीं सभी जगह अल्पसंख्यक छात्रावास और ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। 2024 के चुनाव में देश में परिवर्तन की जरूरत, कहा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि 2024 के चुनाव में देश में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए आगामी चुनाव में बिहार से 40 में से 40 सीट महागठबंधन के खाते में ही जाएंगी। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की आह्वान पर आज कटिहार जिला के सत्तार होटल में आयोजित करवाने के हाथ व भाईचारा के कार्यक्रम में उपस्थित हम सब इनका आज के कार्यक्रम में हम सबों के बीच मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जनाब जमा खान साहब कुछ ही देरों में हम सबों के बीच उपस्थित होंगे। उनके साथ में बिहार विधान पार्षद के सदस्य जनाब खालिद अनवर साहब और साथ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्ला साहब कुछ ही देर में तशरीफ फरमाएंगे। साथ ही साथ कटिहार जिला के तमाम प्रखंड से विधानसभा से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्षगण, साथ में क्षेत्र से पंचायतों से आए हुए पंचायत अध्यक्षगण तमाम हम सब। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ बिहार के साथ।